हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम हितेश नानवानी है और मैं अजमेर राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। पिछले 2-3 साल से मैं स्टॉक मार्केट में फुल टाइम इंट्राडे ट्रेडर रहा हूँ बाय प्रोफेशन। तो एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं मार्केट में ठीक ठाक अर्निंग्स जो है एक छोटी कैपिटल के ऊपर कर लेता हूँ। तो इस YouTube चैनल को बनाने का या इस वीडियो को अपलोड करने का मेरा सिर्फ यही मोटिव है कि मेरे ट्रेड्स के पीछे का जो कॉन्सेप्ट रहता है, स्टॉक को सेलेक्ट करने से लेकर एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स और उसके साथ में मनी मैनेजमेंट को फॉलो करना और कैपिटल का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फॉलो करना, तो इन सारे पॉइंट्स को और इन सारे कॉन्सेप्ट्स को मैं आपके साथ में शेयर करूंगा। तो आज का जो मेरा ट्रेड था, आज डेट आप देख सकते हैं 17 जनवरी 2020। तो इसको मैं एक बार रिफ्रेश करता हूँ। आज का मेरा नेट प्रॉफिट है 7,260 रुपीज। रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार, देखिए 7,260 रुपीज। अगर इसमें हम ट्रेड्स देखें तो बैंक निफ्टी का एक ट्रेड है जिसमें 500 रुपीज का लॉस है, वेदांता का एक ट्रेड है जिसमें 500-600 का लॉस है और एक इंफ्राटेल का ट्रेड है जिसमें 8,300 का प्रॉफिट है। एक बार मैं आपको कैपिटल भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे जो ओपनिंग बैलेंस था वो 6,000 के आसपास था, जिसमें मैंने 30,000 ऐड किया है, टोटल हो जाता है 36,000 का कैपिटल। उसके बाद में जो प्रॉफिट जनरेट हुआ है वो 7,200 का नेट प्रॉफिट जनरेट हुआ है, ताकि अब जो मार्जिन अवेलेबल आ रहा है वो 43,700 का मार्जिन यहाँ पर दिखा रहा है। ठीक है, तो इस चीज को हम अपन एक बार फिर से रिफ्रेश कर लेते हैं मार्जिन देखने के लिए भी, 43,700। अब पोजीशन में चलते हैं, यहाँ पर हम ट्रेड्स देखते हैं। सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं इंफ्राटेल के ट्रेड के लिए बारे में। ठीक है, इंफ्राटेल का जो ट्रेड है उसमें मेरा जो नेट प्रॉफिट है वो 8,355 रुपीज का है। तो इंफ्राटेल ट्रेड के अपन इन्फो में चलते हैं, वहां पर देखते हैं कि यहाँ पर मेरा जो सेल क्वांटिटी है वो 2300 क्वांटिटी है, प्राइस 222.70 रुपए के आसपास मैंने सेल किया है इसको, 2300 क्वांटिटी 2300 क्वांटिटी। ठीक है, और इसको बाद में स्क्वायर ऑफ या बाय किया है 219 रुपए के आसपास, 2300 क्वांटिटी। ओके, तो इंफ्राटेल स्टॉक को सेलेक्ट करने के पीछे एक सिंपल सा बेसिक था कि जब हम एनएससी की साइड पर देखते हैं तो इंफ्राटेल का स्टॉक आज 10% के गैप डाउन के साथ ओपन हुआ है, मतलब इसका जो प्राइस है वो 10% नीचे जाकर ओपन हुआ है सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग मार्केट में। ठीक है, तो यहाँ पर जब कोई स्टॉक 10% गैप डाउन के साथ ओपन होता है तो उसके पीछे मतलब सिंपल है कि वहां मार्केट में कोई ना कोई बड़ा एक्शन हुआ है, कोई न्यूज आई है। तो उस बेसिस पर अगर एक बड़ा गैप डाउन आया तो हम वहां पर मार्केट में बाइंग नहीं कर सकते इंट्राडे के बेसिस पर। अगर मेरा जो बिहेवियर है, अगर इतने बड़ा गैप डाउन आया तो उसमें मैं मार्केट में सेलिंग ही प्रेफर करूंगा रेदर देन बाइंग। तो यहाँ पर अगर मुझे सेलिंग करना है, यहाँ पर मुझे सेल ट्रेड्स को फाइंड करना है, तो मुझे स्टॉक के चार्ट पर जाकर सबसे पहले जो ऊपर के रेजिस्टेंस पॉइंट बनते हैं उनको ड्रॉ करना पड़ेगा। अगर मैं डेली टाइम फ्रेम लेता हूँ या अवरली टाइम फ्रेम भी अगर मैं लेता हूँ, तो स्टॉक के ओपन होने के बाद जो सबसे ऊपर का रेजिस्टेंस पॉइंट मेरे सामने आता है वो है 233 का रेजिस्टेंस लेवल। ठीक है, और उसके अलावा जो एक और रेजिस्टेंस आता है 228 या 229 के आसपास का रेजिस्टेंस लेवल। तो ये मुझे 233 वाला जो रेजिस्टेंस लेवल है वो मुझे काफी ज्यादा स्ट्रांग लग रहा था, इसलिए मैंने इसको जब ये इतना बड़ा रिट्रेसमेंट हुआ ऊपर गया स्टॉक तो यहाँ पर मैं इसको सेल नहीं कर पाया 229 के आसपास। और यहाँ पर जो है, अब देखिए 229 का जो रेजिस्टेंस है उसके ऊपर सेल नहीं करने का भी एक रीजन है। अगर हम इसको जूम आउट करते हैं तो 229 के आसपास मुझे छोटे छोटे काफी सारे रेजिस्टेंस पॉइंट दिखाई दे रहे हैं, जैसा कि एक 229 रुपए पर है, एक 227 रुपए पर है, अगर मैं इस प्राइस को यहाँ रखता हूँ तो एक 231 रुपए पर रेजिस्टेंस है। तो ऐसे पॉइंट्स जो हैं ये मार्केट में कभी भी ब्रेक हो सकते हैं। अगर मैं 228 या 229 रुपए के आसपास इस स्टॉक को रिट्रेस होने के बाद में सेल करता हूं तो मुझे स्टॉप लॉस जो है वो रखना पड़ेगा 233 या 234 रुपए के आसपास, मतलब 200 रुपए के किसी स्टॉक में मुझे 5 रुपए का स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा। और मेरी जो क्वांटिटी 2 से 3 हजार है तो मुझे यहाँ पर 10 से 11 हजार रुपए का नॉर्मली मिनिमम स्टॉप लॉस देना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने इस पॉइंट पर 229 के 228 के अराउंड मैंने इसको सेल नहीं किया था। मैं वेट कर रहा था कि स्टॉक का जो प्राइस है वो 233 रुपए के आसपास आए, तब मैं इसको सेल प्लान करूँ। ठीक है, उसके बाद में जो एक अच्छी एंट्री मुझे मिली है उसका कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूँ। इस चार्ट को थोड़ा पॉपअप में बड़ा कर लेते हैं। तो जब मैं इसमें 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर जाता हूं तो यहां मुझे एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न दिखाई देता है।
देखिए लाइन से मैं यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ, अगर मैं इन तीन पॉइंट्स को या ये एक डाउन ट्रेंड वाली ट्रेंड लाइन को मिलाता हूँ तो मतलब मुझे यहाँ क्लियर है कि स्टॉक का जो ट्रेंड है वो डाउन हो रहा है। बट वो कितना डाउन जाएगा इसको समझने के लिए यहाँ पर अपन को कोई ना कोई पैटर्न की या सपोर्ट लेवल की जरूरत होती है। तो इस पॉइंट पर हमें कोई सपोर्ट नहीं दिखाई दे रहा है। अगर मैं इन दो पॉइंट्स को यहाँ पर मिक्स करता हूँ तो मुझे एक दो तीन चार पांच पॉइंट्स दिखाई देते हैं। तो इस जगह यहाँ पर मेरी एक डाउन की सपोर्ट लाइन एज ए ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो रही है, ठीक है। तो अगर हम इसको यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर हमें एक क्लियर कट सिमेट्रिकल ट्राइंगल पैटर्न दिखाई दे रहा है। सिमेट्रिकल ट्राइंगल पैटर्न क्या होता है कि उसमें मार्केट अपने आप में जो उसकी प्राइस है वो अपने आप में श्रिंक होती जाती है, मतलब उसके जो हाई पॉइंट्स हैं और उसके जो लो पॉइंट्स हैं वो छोटे होते जाते हैं। जैसे यहाँ पर ये हाई पॉइंट से ये वाला पॉइंट छोटा हो गया, उसके बाद में ये एक और पॉइंट छोटा हो गया, मतलब ये लोअर हाइज बना रहे हैं, ठीक है। इसी तरह नीचे की तरफ भी होता है, जो स्टॉक के जो लो पॉइंट्स हैं वो अपने आप में ऊपर की तरफ शिफ्ट होते जाते हैं, तो ये एक तरीके से हायर लोज बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक सिमेट्रिकल ट्राइंगल पैटर्न बन रहा है और ये इस पैटर्न का नीचे की तरफ ब्रेकआउट आया है, ठीक है। सिमेट्रिकल ट्राइंगल पैटर्न जो होता है वो जिस भी तरफ ब्रेकआउट देता है 90% केसेस में मार्केट का जो ट्रेंड है उसी तरफ फॉलो करता है। अगर ये ऊपर की तरफ ब्रेक करता तो मैं इसमें बाइंग देता, बाइंग का ट्रेड लेता, और इसने नीचे की तरफ जो है ब्रेकआउट दिया, ब्रेकडाउन दिया, तो मैंने इसको यहाँ पर सेल किया। तो ये जो ब्रेकडाउन कैंडल आप देख रहे हैं 1:20 की कैंडल है, तो यहाँ पर हम हमारा एंट्री पॉइंट भी देख लेते हैं ऑर्डर्स में जाके। ऑर्डर्स में देखिए इंफ्राटेल की जो 2000 क्वांटिटी मैंने सेल की है यहाँ पर, ये रहा सेलिंग ऑर्डर जो है 1:24 पे मैंने 2000 क्वांटिटी सेल की है और 300 क्वांटिटी और सेल की है 1:31 पे, तो टोटल 2300 क्वांटिटी मैंने यहाँ पर सेल की है, ठीक है। तो यहाँ पर 2300 क्वांटिटी सेल की है, उसके बाद में मैंने इसको फुल डे मार्केट क्लोज होने तक इसको होल्ड किया है। इस कैंडल के आसपास मेरा 10,000 का प्रॉफिट था, 217.70 रुपए जब इसने लो बनाया, बट यहाँ पर जो है 3:10 का टाइम था और मुझे पता था स्टॉक जो है वो और भी ज्यादा नीचे आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है 3:21 के आसपास मेरा पोजीशन ऑटो स्क्वायर ऑफ कर दिया था जेरोदा वालों ने, और यहाँ पर जो मेरा नेट प्रॉफिट आता है वो 8,300 रुपीज इंफ्राटेल के ट्रेड में आता है। अब बैंक निफ्टी को एक बार देख लेते हैं, बैंक निफ्टी का जो ट्रेड था उसकी टाइमिंग क्या थी। बैंक निफ्टी 100 क्वांटिटी मैंने बाय की थी 275 रुपए के आसपास और मैंने इसको एग्जिट कर दिया था 270 रुपए के आसपास, जबकि मेरा स्टॉप लॉस था 265 का। मतलब ये पोजीशन मैं होल्ड कर सकता था बट यहाँ पर मुझे इंफ्राटेल में एक अच्छा ट्रेड दिख रहा था तो इसलिए मैंने इसको जो है एग्जिट कर दिया, ठीक है। तो देखिए समवेयर अराउंड यहाँ पर मेरा 275 के आसपास एंट्री पॉइंट था। टाइमिंग हम देख लेते हैं एक बार, बैंक निफ्टी बाय 1:10 का यहाँ पर टाइमिंग है, ठीक है। तो बैंक निफ्टी में हम देख लेते हैं 275 रुपए की जो प्राइस है, अब एक बज के 10 मिनट यहाँ पर देखिए इस पॉइंट पर मैंने यहाँ पर इसको 275 पे बाय किया है और मेरा जो स्टॉप लॉस था वो यहाँ पर 265 के अराउंड था, ठीक है, जो कि प्राइस नहीं आया है। तो यहां से लेकर 300-340 तक भी स्टॉक का प्राइस गया है, बैंक निफ्टी का प्राइस, और ये जो ट्रेड था सक्सेसफुल था बट इंफ्राट्रेड ट्रेड लेने के लिए मुझे इसको एग्जिट करना पड़ा, ठीक है। इसी तरह एक वेदांता का छोटा सा एंट्री पॉइंट था, क्वांटिटी जो इसमें भी थी 2500 क्वांटिटी मैंने वेदांता में भी सेल किया था और मेरा जो इसमें सेलिंग प्राइस था वो था 160 रुपए 25 पैसे और क्लोजिंग जो है 159.50 के आसपास ही आई है, तो वो भी छोटे लॉस के कारण मैं निकल गया, मुझे इनको होल्ड नहीं करना था, ठीक है। तो आज का जो प्रॉफिट रहा वो 7200 का प्रॉफिट रहा। अब आगे इस तरह और भी ट्रेड्स या उनके पीछे के जो कॉन्सेप्ट है मैं आपके साथ में शेयर करूंगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें एंड चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।